बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी ज़बान क्लास 7 सबक नंबर 8 छिद्दू। सबसे पहले इसके अल्फाज मानी पढ़ लेते हैं। झाड़ी कहते हैं कांटों भरी छोटे छोटे दरख्त। बुर्राक सफ़ेद घोड़ा, जिसे एक सवारी, जिस पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफ़र किया था। ज़ीन घोड़े की पीठ पर कसा जाने वाला मजबूत और मोटर कपड़ा या चमड़े का पट्टा। इसके बाद है चाबुक कोड़ा हंटर। दरकार ज़रूरत हाजत, रसीद वसूली का कागज़, सरपट दौड़ना बहुत तेज़ दौड़ना, लेलहाना झूमना, हवा से हिलना, अजीब अनोखा निराला, लहरें मौजें, गोता डुबकी, सीप सदफ दरिया में पाई जाने वाला एक सख्त किस्म का खोल जिसके अंदर से मोती निकलता है। इसके बाद अगले पेज पे है खूंगा, दरिया या समंदर में पाया जाने वाला एक कीड़ा, मंदिरों में बजाया जाने वाला शंख इसी कीड़े का खोल होता है। झिलमिल झिलमिल टिमटिमाहट जगमगाहट, रुख तरफ सिमत जानिब चेहरा, हिचकी बांधना मुहावरा है, ज़्यादा रोने से सांस लगाकर सांस का रुकने लगना, हिचक हिचक कर रोना। चमेली चम्बेली एक खुशबूदार फूल जिसके नाम से फारसी में यास्मीन कहते हैं। सिसक सिसक कर रोना, आवाज़ दबाकर रोना, शाखें शाख की जमा टहनियाँ डाली, दमकना चमकना तिमतिमाना। अब इसके बाद सबक का खुलासा है। सबक के खुलासे को आप ध्यान से समझिए। एक छोटा लड़के का नाम सिद्धू था। उसकी आदत थी कि जब कोई काम करता देखता तो झट से कहता मैं भी यही करूँगा। किसी को घोड़े पर सवार होता देखता तो कहता मैं भी सवार होऊंगा। एक झाड़ी से उड़ते हुए चिड़िया को देखता तो कहता मैं भी उड़ूंगा। अगर तालाब में मछलियों को तैरते देखता तो कहता मैं भी तैरूंगा। एक दिन ऐसा हुआ कि छिद्दू घर में बिल्कुल अकेला था। एक सफ़ेद घोड़ा उसके सामने आकर खड़ा हो गया और छिद्दू को अपने ऊपर बैठने को कहा। छिद्दू को खुशी का ठिकाना ना रहा और चिल्लाने लगा मैं तो घोड़े पर सवार हो गया। छिद्दू ने घोड़े पर सवार होकर ऊँचे पहाड़, घने जंगल, हरे हरे खेत वगैरह देखे। उसके आगे समुद्र का किनारा था। घोड़ा वहाँ रुक गया और आगे जाने से मना कर दिया। छिद्दू ने आगे चलने की ज़िद की तो घोड़ा ने उसे ज़ोर से उछालकर मियाँ छिद्दू धड़ाम से आगे आन पड़े और रेत की दीवार पर से ऐसा लड़खड़ाते सीधे समंदर में गिरकर डुबकियाँ खाने लगी। इस दौरान एक लाल सुनहरी मछली छिद्दू की टांगों के नीचे आकर ठहर गई। छिद्दू को ज़रा सा सहारा मिला। अब उस मछली के सहारे छिद्दू मियाँ ने समंदर में तैरना शुरू कर दिया। तैरते तैरते जब बहुत दूर निकल गए तो एक जहाज़ पर छिद्दू का बाप था। वो छिद्दू को खोज रहा था। उसने अपने बाप की आवाज़ सुनी तो मछली से गोता लगाने के लिए बोला, वरना उसके वालिद उसको ले देख लेंगे। मछली ने ऐसा गोता लगाया कि समंदर की तह को जा पहुँचा। जब वहाँ तरह तरह की चीज़ें थीं जो छिद्दू ने कभी ना देखी। छिद्दू ने आंखें फाड़ फाड़ कर देखना शुरू किया तो आंखों में पानी भर गया और वह चीखने लगा कि मुझे ऊपर ले चलो, मेरा दम घुट रहा। मछली ऊपर निकली और छिद्दू ने पानी से सर निकाला ही था कि एक बड़ा सा परिंदा, कुछ काला कुछ सफ़ेद, ऊपर से आया और छिद्दू को अपनी चोंच में उठाकर पीठ पर बिठा लिया। छिद्दू चिल्लाने लगा, अब तो मेरे पर हो गए, मैं उड़ूंगा। परिंदा उस छिद्दू को उड़ते उड़ते हुए चांद और सितारों की बस्ती में पहुंच गए। वो आसमान में जाना चाहता था। परिंदों ने छिद्दू को बादल की गोद में डाल दिया। उसकी गोद बड़ी ठंडी थी। वहाँ बादल छिद्दू को लेकर जब चला तो छिद्दू के गालों पर दो बड़ी बड़ी गर्म बूंदें पड़ी। छिद्दू को कुछ उदास हो गया और कहने लगा, ये तो मेरी माँ के आंसू लगते हैं। बादल ने बताया, हाँ बेटा ये तेरी माँ के आंसू है। ये बात सुनकर छिद्दू रोने लगा और इतना रोया कि हिचकी बन गई और बादल से सिसक सिसक कर कहने लगा, अब मैं आसमान में नहीं जाऊँगा, मैं अब सूरज को कभी नहीं देखूँगा, मुझे
अब कुछ दरकार नहीं, मैं अपनी माँ के पास जाऊँगा। छिद्दू की आवाज़ सुनकर बादल बड़ी तेज़ी से नीचे उतरा। बादल ने छिद्दू को गोद से नीचे डाल दिया। ये धम से एक चमेली के पेड़ के पास गिरा। उसकी जो आँख खुली तो देखा माँ दोनों हाथों से चमेली की शाखें हटा रही है और चिल्ला रही है, अरे लोगों देखो, अरे लोगों देखो मेरा छिद्दू है। इसी वक्त सूरज भी ऊपर से निकला और चमेली की टहनियों से झांक कर छिद्दू को मुंह देखकर इस तरह मुस्कुराया कि उसका सारा चौड़ा चुगला चेहरा मुस्कुराहट से दमकने लगा। अब इसके बाद इसके सवाल जवाब जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। छिद्दू किस किस्म का लड़का था? छिद्दू एक नटखट बच्चा था जो हर चीज़ को देखकर यही कहता था कि मैं भी यही करूँगा, मैं भी यही करूँ। दूसरा सवाल है, घोड़े से मिलकर छिद्दू क्यों खुश हुआ? घोड़े से मिलकर छिद्दू इसलिए खुश हुआ क्योंकि अब वह उस पर बैठ कर हर जगह घूम फिर सकता था। छिद्दू के घोड़े पर सवार होकर कहाँ कहाँ से गुजरा? इसका जवाब है कि छिद्दू घोड़े से उतरकर बड़े मैदान, ऊंचे पहाड़, घने जंगल और हरे हरे खेत से गुजरा। घोड़े के लिए रेत पर चलना क्यों दुश्वार था? घोड़े के लिए रेत पर चलना इसलिए दुश्वार था क्योंकि घोड़ा पाँव में रेत धंस जाता है। छिद्दू ने समुद्र की सैर कैसे की? छिद्दू ने मछली की पीठ पर बैठ के समुद्र की सैर की। काले कपड़े पहने हुए औरत कौन थी और कहाँ जाए? काले कपड़े पहने हुए औरत रात थी और वह ऊपर से ज़मीन पर जा रही थी। अगला सवाल है, पानी से सर निकालते ही सिद्धू के साथ क्या वाकया पेश आया? पानी से सर निकालते ही एक बड़ा सा परिंदा ऊपर से आया, सिद्धू को चोंच में उठा लिया और उसे ऊपर अपनी पीठ पर बिठा लिया। आठवां, परिंदों के रुख मोड़ने से ही सिद्धू की गोद में किसने उठाया? परिंदों के रुख मोड़ते ही सिद्धू को बादल ने अपनी गोद में उठा लिया। नवा सवाल है, दो गर्म गर्म बूंदों कहाँ किसको कहा गया? दो माँ के आंसुओं को दो गर्म गर्म बूंदे कहा गया। दसवा है कि बादल ने छिद्दू को आंसू के बारे में क्या बताया? बादल ने छिद्दू को बताया कि ये उसकी माँ के आंसू है और उसे ढूंढ ढूंढ कर थक गई थी और वो एक जगह बैठी रो रही थी कि मैं पास से गुजरा तो मैंने दो आंसू साथ लेता। अगला सवाल है कि छिद्दू के रोते रोते हिचकी बंद क्यों बैठ गई और उसने क्या ख्वाहिश जाहिर की? छिद्दू की हिचकी इसलिए बंद गई कि उसे अपनी माँ का ख्याल आया जो उसे ढूंढते ढूंढते रोने लगी थी, इसलिए छिद्दू ने अपनी माँ के पास जाने की ख्वाहिश जाहिर की। बारवा सवाल है, छिद्दू ने आंखें खोली तो उसने क्या देखा? जवाब है इसका, छिद्दू ने आंखें खोली तो उसने देखा कि माँ दोनों हाथों से चमेली की शाखें हटा रही है, खुशी से चिल्ला रही है, लोगों देखो मेरा छिद्दू ये है, मेरा छिद्दू ये है। अब इसके बाद लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करना आपको मैंने बताया, जैसे ये लफ्ज़ दे रखे हैं ना, जैसे तालाब, तालाब बहुत गहरा है, या मेरे घर के पास तालाब, इसी तरह ये सारे जुमले यहाँ से बने हुए हैं, आप आसानी से उतार सकते। फिर इसके बाद जो है अगला सवाल है, कॉलम अलिफ और कॉलम बा को मिलाकर मुहावरे मुकम्मल कीजिए। ये सरपट है, सरपट क्या होता है? दौड़ना, सरपट दौड़ना, ये यहाँ पे मिलाने हैं तो यहाँ पे अगले पेज पे ये मिले हुए यहाँ से मिल जाएंगे आपको सही मुहावरे। सरपट दौड़ना, ठीक है, बाँछे खिलना, आंखें बंद होना। इसके बाद यहाँ पे ये नीचे दिए जुमलों की कहानी की तरतीब में लिखे, ये गैर तरतीब से है और सही तरतीब से नीचे लिखे हुए हैं, तीन ये रहे और बाकी अगले पेज पे आपको मैं दिखा देता हूँ, ये बाकी अगले पेज पे हैं, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसके बाद सबक का अमली काम क्या है? अमली काम, इस सबक में मनाजिर कुदरत का इजहार जगह जगह मुख्तलिफ अंदाज में किया गया है, जैसे खिलती खेती लहरा रही थी, लाल नीले फूल खिले हुए थे, समुद्री लहरें मार रहा था, इस तरह के आप कम से कम 5 फकरे लिखिए। तो चिड़िया चहचहा रही है, खुश रंग फूल खिले हैं, सब्ज़ के लहलहाती है, मौसम राहत अफजा है, रिमझिम बारिश हो रही है। तो उम्मीद है कि ये वाला सबक आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट करें और सपोर्ट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उर्दू से वक्फियत हासिल कर सकें और उर्दू को जान सकें। शुक्रिया।